तो यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। यहाँ से हम ऑटो लेके सीधा बस स्टैंड पहुँचेंगे और ये है हमारे एक प्रिय साथी जो हमारे साथ जाएंगे। और ये है हमारा लुधियाना का बस स्टैंड। यहाँ से आपको हर शहर की तकरीबन बस मिल जाएगी और यहीं से हमें हमारे धर्मशाला के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी। यहाँ लो जी, हम पहुँच गए हैं धर्मशाला। आप देख सकते हैं वीकेंड पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या फिर बस से आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ये हैं हमारे दोस्त। और सफ़र में सबसे ज़रूरी बात ये है, जैसा कि आप देख रहे हो, कि हमें हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, हम अपने ट्रैफिक को भी पूरा एंजॉय करते जा रहे हैं। अगल बगल पहाड़ियाँ हैं, हवाएँ चल रही हैं अच्छी, तो पूरा के व्यू एंजॉय करना चाहिए हमें अगर हम कहीं भी सफ़र पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इतने बड़े बड़े जाम लग जाते हैं वीकेंड पे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को भी एंजॉय करना, ये नहीं कहना भाई यहाँ फंस गए, ये हो गया, वो हो गया। बाकी आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे हर जगह पे। और अभी आगे आपको दिखाता हूँ मैं कि बाइक और कैसे फंसा के लोग खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है टूरिस्ट को। तो मैं बोलूँगा कि आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करें और अपने सफ़र का आनंद लें। बस सीधा हम आगे जाके आपको मिलते हैं। और ये है धर्मशाला मैक्लोडगंज भक्शुनाग का सबसे मशहूर जो स्विमिंग पूल है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने भी बहुत आनंद लिया था इस ठंडे ठंडे पानी में नहाकर। सारी थकान उतर जाती है यहाँ पे नहाकर। और बाकी हम सुबह मिलते हैं आपको सीधा त्रिउंड ट्रैक पर। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ से हमारा दूसरा दिन शुरू हो चुका है और यहीं से तकरीबन त्रिउंड का ट्रैक शुरू हो जाता है। और ये सामने आप देख रहे हैं भक्शुनाग का मशहूर वाटरफॉल, जहाँ तक तकरीबन जो जिसको लोग देखने आते हैं, वो शायद आप देख रहे होंगे। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। तो ये है ट्रैक का पहला रेस्ट पॉइंट, यहाँ हम रुक के कुछ खा पी सकते हैं। आपको तकरीबन यहाँ से खाने के लिए पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ पर लोग ज़्यादातर रेस्ट करते हैं। और हम यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि हमारे दो दोस्त पीछे रह गए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं आपको मिलाता हूँ उनसे भी। मज़ा आता है यहाँ पे जाकर। ज़्यादातर लोग तो वो नीचे करथानी विलेज से ही वापस चले जाते हैं वहाँ कैंप करके, पर मैं बोल रहा हूँ अगर कोई ट्रैक कर रहा है तो यहाँ डेफिनेटली आए, टॉप पर ज़रूर आए। यहाँ से एक ऐसा रास्ता शुरू होता है जहाँ पे होता ना, हम बोलते हैं कि
मंजिल से बेहतर रास्ते लगने लगते हैं। तो ये वही बस ला सीन था। बस अभी अभी बारिश होकर हटी है और ठंड बहुत थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन बारिश के बाद सामने आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा रेनबो निकला हुआ है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो सब लोग अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, रील्स निकाल रहे हैं। हमने भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ और रील्स बनाई थी, पिक्स क्लिक करी थी बहुत अच्छी अच्छी, जो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मुसाफिर पर आप देखने को मिल जाएंगी। और मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप मुझे जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पहाड़ों में आकर हर जगह पे बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा, बहुत अच्छा मौसम मिलेगा। तो बाकी आप शायद आगे देख रहे हो रेनबो दिख रहा है बहुत ब्यूटीफुल सा। आई थिंक कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता व्यू को जितना हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मे बी आप देख पा रहे हो। बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ पे पहाड़ों में जब बारिश होकर हटती है, तो क्योंकि मौसम भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप त्रिण टॉप की पहाड़ियों का बहुत ही अच्छा दृश्य। और ये यहाँ सामने जो शॉप है छोटी सी, वहाँ पर आपको मैगी चाय वगैरह खाने पीने को मिल जाएगी। और वो है हमारा छोटा सा मंदिर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 1 साल में 9 बार आया हूँ। बहुत अच्छा है यहाँ पर आके, अच्छा लगता है मुझे। दुनिया की सबसे अच्छी जगह मेरे लिए यही है। और यहाँ से हमारी शुरू होती है स्नो लाइन का ट्रैक शुरू होता है, जो हम कल सुबह करेंगे। और आपको दूसरा उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरा अगले पार्ट में, जहाँ पे मैंने स्नो लाइन और लाका ग्लेशियर दोनों का ट्रैक करा है। वो भी बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत ब्यूटीफुल सफ़र था। बाकी तब तक आप बहुत सुंदर से व्यू का मज़ा लीजिए। और ये है त्रिण टॉप से जहाँ हमने कैंपिंग की थी, वहाँ से जो मॉर्निंग का व्यू होता है बहुत अच्छा होता है। अगर आप पहाड़ों में कहीं भी जा रहे हो और वहाँ पे आपने सनसेट और पहाड़ों का सनराइज़ नहीं देखा, मतलब आपने बहुत बड़ी चीज़ कोई ना कोई मिस कर दी। तो कहीं भी जाते हैं तो पहाड़ों का सनसेट और सनराइज़ ज़रूर देखिएगा, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये, बहुत ही पीसफुल चीज़ होती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये सारे कैंप लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर टॉप पर। बहुत कम लोग कैंप करते हैं और अच्छा होता है, नीचे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, रहता है, वीकेंड पे भीड़ रहती है। तो अभी मैं आपको अपने कैंप दिखाऊंगा। ये दो हमारे कैंप थे जो आगे अभी आएंगे ग्रीन कलर के, ये दो ग्रीन कलर के हमारे टेंट थे। तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था हमारा रात का सफ़र, पूरा जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि मेरे दोस्त अच्छे थे सारे के सारे, तो सफ़र को इन्जॉय करने वाले थे। और इसका अगला पार्ट भी मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैंने स्नो लाइन और लाका ग्लेशियर कवर किया है। तो अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में।